हाय गाइस, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय सीरीज देसी ट्विस्ट विद तलोद। आज हम बनाएंगे ढोकला। ढोकला बनाने के लिए हम यूज करेंगे तलोद का ढोकला मिक्स। बहुत ही आसान है, पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ फॉलो करना है। सबसे पहले हम लेंगे तेल। इसमें डालना है दही एंड नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी पानी और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे तलोद का ढोकला मिक्स। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई लंप्स ना हो। अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये बैटर काफी फ्लफी हो गया है, कई सारे बबल्स इसमें आ गए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। ढोकला बनाने के लिए मेरे पास है ये स्टीमिंग प्लेट। इसको सबसे पहले हमें ग्रीस करना है। प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लें। अब इस पे हम पोर करेंगे ये बैटर। हम इसे स्टीम करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। सो 10 मिनट हो गए हैं, ढोकला को चेक कर लेते हैं। दैट लुक्स परफेक्ट। इसे हम निकाल लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप ढोकले के बैटर में ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सो ढोकला हो गया है तैयार, अब हम इसे कट करेंगे। सो मैं इसे कट कर रही हूं डायमंड शेप में, आप इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ब्लैक पेपर। इस पे डाल लेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी। अब हम लगाएंगे इस पे तड़का। वैसे तो तड़का ऑप्शनल है, आप गर्मा गर्म ढोकला खा सकते हैं ग्राउंडनट ऑयल के साथ में एंड इट टेस्ट्स अमेजिंग। लेकिन अगर आपको तड़का लगाना है तो तड़का लगा सकते हैं, इसलिए मैं लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है ऑयल। सो तेल हो गया है गर्म, इसमें हम डालेंगे राई। राई के साथ हमें डालना है सफेद तिल। सफेद तिल डाल के आप गैस बंद कर लें और तड़का हो गया है तैयार। अब इसे हम डालेंगे ढोकला पे। फाइनली हम इसे गार्निश करेंगे विद सम कोरिएंडर। एंड ढोकला हो गया है तैयार, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। काफी आसान था इसे बनाना और ये बन गया झटपट ओनली विद तलोद। तो आप भी इसे ट्राई करिए, मुझे पता है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाएंगे।